आधार कार्ड में एड्रेस मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें। आधार 12 अंकों की एक ऐसी व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो UIDAI द्वारा भारत सरकार की ओर से भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। ये संख्या पूरे भारत में आपकी पहचान और पते का प्रमाण होती है। आधार कार्ड काफी सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं जैसे सब्सिडी, स्कॉलरशिप, बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस आदि के लिए आवश्यक है। इसलिए ये जरूरी है कि आधार जरूर बनवाएं और इसे अपडेट भी रखें। आधार में बदलाव की आवश्यकता। एक बार आपका आधार कार्ड बनने के बाद जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जिनकी वजह से आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे उम्र बढ़ने से आपके फिंगरप्रिंट, चेहरे आदि में बदलाव आ सकते हैं। वहीं फोन नंबर, एड्रेस आदि भी शादी, नौकरी आदि के कारण बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा अपडेट कराया जा सकता है। बायोमेट्रिक आपका आंख, फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ है। डेमोग्राफिक इन्फो में आपका नाम, एड्रेस, जन्मतिथि, लिंग, नंबर, ईमेल आदि आ जाते हैं। रजिस्टर्ड नंबर की है आवश्यकता। अपने आधार कार्ड में डेटा अपडेट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। एनरोलमेंट या आखिरी अपडेट के समय इस्तेमाल किए गए नंबर को आपको अपडेट के समय वेरीफाई करना होगा। क्या करें अगर नहीं है रजिस्टर्ड नंबर? यदि आपने आधार के लिए एनरोल होते समय अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कराया है तो आपको एक परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जाकर अपना नंबर रजिस्टर करना होगा। SSUP का इस्तेमाल करके अपना एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर आधार पर रजिस्टर करना होगा या फिर आप PEC जाकर अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है। यदि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है या आपसे कहीं खो गया है तो आप उसे पोस्ट या ऑनलाइन माध्यम से अपडेट नहीं करा सकते। उसके लिए आपको खुद ही नजदीकी सेंटर जाना होगा। पुराना नंबर होने के बावजूद नया नंबर रजिस्टर करने के लिए भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी होगी। दो तरीकों से आप आधार डिटेल अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड, सेल्फ सर्विस ऑनलाइन मोड में नागरिकों को एड्रेस अपडेट की सुविधा है जहां वो डायरेक्ट पोर्टल पर अपनी रिक्वेस्ट अपडेट कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए आपको आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। नागरिक की पहचान उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर की जाती है। ये प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए नागरिकों को सपोर्टिंग प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करने होते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर की जा सकती है। नई अपडेट रिक्वेस्ट डालते समय ये सुनिश्चित करें कि आपने मान्य डॉक्यूमेंट ही लगाए हैं। इस लिंक पर जाकर आप अपडेट आधार पर क्लिक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लिंक को पा सकते हैं। नागरिक परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर जाकर भी अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। सेंटर पर एक ऑपरेटर आपकी मदद के लिए रहता है। ये ऑपरेटर आपसे आपके प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स लेकर आपकी अपडेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। डॉक्यूमेंट की जांच ऑपरेटर द्वारा ही की जाती है। सेल्फ सर्विस पोर्टल पर आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स और बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए आपको खुद PEC जाना पड़ेगा। अपने नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर को लोकेट करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं किसी भी सेंटर पर। ये जरूरी नहीं कि अपडेट करने के लिए उसी PEC पर जाएं जहां आपने एनरोलमेंट किया था। या आप किसी भी सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता। आपको आधार अपडेट करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाना होगा। ये अपडेट के बाद आपको वापस लौटा दी जाएगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको कलर स्कैनर से स्कैन की हुई डॉक्यूमेंट्स की कॉपी की आवश्यकता होगी। इमेज क्लियर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कलर स्कैन होना चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में 32 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, 45 प्रूफ ऑफ एड्रेस। अपडेट की फीस। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट करने के लिए आपको ₹50 की फीस अदा करनी होगी। यदि आप सरकार द्वारा तय रेट देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ध्यान दें, हालांकि जरूरी नहीं कि आपके अपडेट रिक्वेस्ट डालने और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपका आधार अपडेट हो जाए। आपके द्वारा दी गई जानकारियां सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होती है, यानी कि आपके द्वारा दी गई जानकारियों का सत्यापन किया जाता है। अगर कोई जानकारी गलत दी गई है या छुपाई गई है तो आपकी एप्लीकेशन रद्द की जा सकती है। आपके सवालों को हम यहाँ FAQs में लाकर आए हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।